अरे राज चाहे तारा रानी साहिब का हो या फिर औरंगजेब का, हमें क्या फर्क पड़ता है। दौलताबाद में अब ना कोई दौलत है और ना कोई आबाद। इसके जिम्मेदार आप हैं। आप कौन? श्री बालाजी विश्वनाथ भट्ट, दौलताबाद के नए सर सूबेदार। प्रणाम। हम यहाँ के सूबेदार श्रीधर और ये हमारे कनिष्ठ अधिकारी गण। हमारी कचहरी से कुछ ही दूरी पर मुगल कर वसूल कर रहे हैं और आप यहाँ विश्राम कर रहे हैं। आपको यहाँ जनता की सेवा के लिए बिठाया गया है और आप यहाँ बैठकर अपनी सेवा करवा रहे हैं। लकड़ी में दीमक बहुत गहरी लग चुकी है खास। ओ बालाजी, इससे पहले कि ये उसे और खोखला करे उपचार करना पड़ेगा। अब तक जो होता रहा है अब नहीं होगा। हम भी जनता से कर वसूलेंगे पर बदले में दौलताबाद में शांति एवं सुशासन स्थापित करेंगे। इस कार्य में जो भी हमारी बाधा बनेगा उसे दंड दिया जाएगा, फिर चाहे वो पराया हो या अपना। कैसा है? कहना है साहेब। कोई कष्ट है? कष्ट जो दिन रात मुगलों के हाथों सहना पड़ता है उसके लिए कष्ट बहुत छोटा शब्द है। आप नहीं जानते पाले खान कैसा मनुष्य है। हो बरोबर, हम नहीं जानते कि पाले खान कैसा मनुष्य है, पर यह अवश्य जानते हैं कि आप जैसे भ्रष्ट अधिकारी तो मनुष्य की गरिमा से भी गिर चुके हैं। तभी पाले खान जैसे शत्रु के पालतू बने बैठे हैं। सर सूबेदार साहेब, बातें करना बहुत सरल है लेकिन काम करना कठिन है। मैं भी यहाँ मनुष्य ही आया था लेकिन शासन तंत्र ने दो दिन में कठपुतली बना दिया। काका, हम यह शासन तंत्र को दोष देने नहीं बदलने आए, विश्वास कीजिए। बाजी, शब्दों पर विश्वास करें ना करें पर हमारे कर्म पर विश्वास अवश्य करेंगे। हम ऐसा क्या करें कि आपको हमारी क्षमता और नीयत दोनों पर विश्वास हो जाए। आज रात पाले खान के आदमी कर वसूल कर मुगल खेमे तक लेकर जाएंगे। रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए। शहनशाह हिंद का इकबाल बुलंद। अभी अभी खबर मिली है कि मुगल सल्तनत की फौजें अहमदनगर में फतेहयाब होने ही वाली है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या खबर सुनाई है, क्या खबर सुनाई है तुमने। वाह, जाने कितने बरसों से इन आंखों ने एक ख्वाब का बोझ उठा रखा, दक्कन पर हुकूमत करने का ख्वाब। आज जाकर इन आंखों का बोझ हल्का हुआ है, आज इन आंखों का बोझ हल्का हुआ है। तारा रानी साहेब अब समझ जाएंगी कि औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकते। कांच की धार चाहे जितनी तेज हो उसे तलवार में नहीं डाला जाता।
मराठी बादशाह सलामत। बोला। हमारे साथ धोखा हुआ है। हम सोच रहे थे कि हम जीत रहे हैं, मगर तारा रानी साहब के सरदारों ने छापा मार जंग करके हमारे लोगों को घेर लिया है, और ऐसी जगह घेर लिया है जहां पर पानी की एक बूंद तक नहीं है। तारा रानी साहब मराठी छापा मार धोखेबाज। ये मराठी तारा रानी साहब धोखा खून हमारी बीमारी का राज बाहर नहीं जा सकता। हरकत के कमजोर होते ही आड़ियां बाहर आ जाती हैं। शहंशाह के कमजोर होते ही तलवारें हमारे बच्चे तख्त के लिए लड़ने लगेंगे, और ऐसा हुआ तो हम दक्खन जीत नहीं पाएंगे, कभी दक्खन जीत नहीं पाएंगे। हम मरने से पहले दक्खन जीतना चाहते हैं। दक्खन का ख्वाब। बाबा जब हमारा पक्ष सही है तो फिर हम सीधे उनका रास्ता रोककर अपना धन वापस क्यों नहीं ले लेते? जब सत्य हमारे साथ है तो फिर हम चुपकर वार क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बाजी कि युद्ध सत्य के लिए लड़े अवश्य जाते हैं, पर मात्र सत्य से जीते नहीं जाते, युद्ध जीते जाते हैं नीति से। स्वराज का सेनानी दोधारी तलवार होता है, जिसकी एक धार सत्य होती है तो दूसरी नीति। सत्य छोड़ दिया तो सेनानी नहीं रहोगे, नीति छोड़ दी तो जीवित नहीं रहोगे। जब शत्रु संख्या में तुमसे अधिक हो तब उन्हें अपने आने की पूर्व सूचना दिए बिना बिजली की तरह टूट पड़ना ही सही नीति है बाजी। जब अजिंक्य तारा पर हमला हुआ था तब यह नीति कहां गई थी सांगा? आज के छापे का अजिंक्य तारा के हमले से क्या संबंध है? वहां स्थिति अलग थी। स्थिति कभी अलग नहीं होती। मुगल वहां भी बलवान थे, यहाँ भी बलवान है। मुगल वहां भी हारे थे, यहाँ भी हारेंगे। आप मेरी बात नहीं सब। कोई आ रहा है। श्रीधर जी, यदि आपको डर लग रहा है तो आप लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। पत्थर किसने फेंका? ये पैर कड़ी बीच रास्ते में ऐसे कैसे रुक गई? लगता है कुछ गड़बड़े। चलो वापस घुमाओ। ये लोग तो वापस आ रहे हैं। हम बस होने नहीं देंगे। चलो।
वैसे भी इस वन से हम अपरिचित हैं और रात भी अंधेरी है। वो बचकर निकल गया तो क्या होगा? ये कर तो हमें मिल गया। साहिब के सरदारों ने हमें घेर रखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका अगला कदम बुरहानपुर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बुरहानपुर दखन की चाबी है। जिसके हाथ बुरहानपुर, उसी के हाथ दखन। अगर यहां उन्होंने कब्जा जमा लिया तो जो पंजाब में हमारी फौजें सिखों से लड़ रही हैं, जरूरत पड़ने पर दखन पहुंच नहीं पाएंगी। उनके इरादे कभी सफल नहीं होंगे बादशाह सलामत। हम खुद बुरहानपुर जाकर तारा रानी की फौज और उनके हिम्मत दोनों को खाक में मिला देंगे। आप नहीं, वहां हम जाएंगे। आपकी इस नासाज तबीयत में इतना दूर सफर करने की क्या जरूरत है? जरूरत है कमरुद्दीन, एक औरत ने बरसों तक हमें हमारे ख्वाब से दूर रखा। मरने से पहले हम उसे अपने हाथों से शिकस्त देना चाहते हैं। मौत आए हुजूर के दुश्मनों को, पर ये यकायक आपके मन में मरने का ख्याल कैसे आ गया? हुजूर, खैरियत तो है ना? फौलाद पुराना जरूर हुआ है मगर टूटा नहीं। बुरहानपुर से तो हमारा पुराना रिश्ता है, पुराना ताल्लुक है। हमारी वालिदा मरहूम वहां रहा करती थी। माँ के आंगन में जंग है, बेटे का जाना बनता है। आने दो मराठियों को, आने दो हमारी मांद में। दुनिया को पता तो चले कि शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो भी शिकार करना नहीं भूलता। हमारे बुरहानपुर कूच करने की तैयारी की जाए। हुजूर। कमरुद्दीन। हुजूर। हम चाहते हैं कि आप दौलताबाद जाएं और वहां की कमान संभालें। बुरहानपुर जाने से पहले हम शाहू जी को औरंगाबाद के किले में नजरबंद करना चाहते हैं, जहां उनके वालिद शंभाजी को किया था। इस जंग में शाहू जी हमारा तुरुप का इक्का है। किसी भी हाल में उन्हें महफूज रखना निहायत जरूरी है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। ये बादशाह सलामत का हुक्म है। किसी का भी हुक्म हो ताबीर, जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि हमें और आई साहिब को कहां और क्यों ले जाया जा रहा है, हम यहां से हिलेंगे भी नहीं। तुम लोग हमें मारने की गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुम्हारे बादशाह सलामत की सबसे बड़ी ढाल हैं। आखिर तुम्हारे बादशाह ने हमें इसीलिए तो कैदी बना के रखा था कि समय आने पर हमारा इस्तेमाल करके हमारे लोगों से हथियार डलवा सकें। पर नहीं, अगर हम अपने देशवासियों की ताकत नहीं बन सकते तो उनकी कमजोरी भी नहीं बनेंगे। कल आप और हम इस क्षेत्र का मुआयना करके इस धन को सतारा सुरक्षित पहुंचाने का मार्ग ढूंढेंगे। बर डोंडीबा, श्रीधर जी, अब तो आपका विश्वास हो गया ना कि मेरे बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है? मुगलों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, यहाँ कहते हैं दौलताबाद का एक फलसफा, जो दिन में मिला वो रात को सफा।
घर की याद आ रही है बाजी? नहीं बाबा, याद तो उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं। फिर यहाँ एकांत में बैठकर क्या सोच रहे हो? यही, यदि मेरे भाग्य में बड़ा काम करना लिखा है तो फिर मेरे पास समय इतना कम क्यों है? यहाँ एक ही दिन में समझ गया कि हमें यहाँ एक नहीं दो युद्ध लड़ने पड़ेंगे, एक मुगलों से और दूसरा अपनों से। मुगलों से हथियारों का युद्ध और अपनों से बेचारों का। तो हार माने बैठे हैं, इन्हें जगाना होगा। हो, एकदम बरोबर बाजी। सही कहा तूने। मन में भय यानी जीवन में अराजकता समाज को भी भीड़ बना देते हैं। बाजी, तुम्हें इनका विश्वास वापस लाना होगा। स्वराज को जीतने का पहला कदम अपने लोगों का विश्वास जीतना होता है। पर मैं इनका विश्वास कैसे जीतूंगा बाबा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं भावराव से जीता अवश्य था, पर वो भाग्यवश मिली विजय थी। मेरे अंदर योद्धा का एक भी गुण नहीं है बाबा। योद्धा का सबसे बड़ा गुण साहस होता है बाजी, जो तुम में है। साहस सिखाया नहीं जाता, वीर उसे लेकर पैदा होता है। तुम वीर हो, अब तुम्हें रणवीर बनना है। वार भी करना है, अनिवार को बचाना भी है। बाजी, अब तुम युद्ध कला सीखोगे। आप मुझे सिखाएंगे बाबा? हो बाजी, पर युद्ध कला ये असली शिक्षा गुरु नहीं प्रतिद्वंदी सिखाता है। एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से द्वंद बहुत कुछ सिखा देता है। यानी हमने तुम्हारे लिए वो सशक्त प्रतिद्वंदी ढूंढ लिया है। वो कौन है बाबा? वो अपनों में से एक है, तुम उसे जानते हो पर नहीं जानते। वो हमारी प्राचीन युद्ध कला में इतना निपुण है कि निहत्ते भी शत्रु के प्राण हर लेता है। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसे चलाने में वो दक्ष नहीं है। वो मात्र एक व्यक्ति नहीं है, एक मिसाल है।